सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे सतगुरु गरीब नवाज पतत पावन भगत बच्छल कृपा दे खजाने जुगो जुग अटल सतगुरु सर्व शक्तिमान सर्व थान ते व्यापक सतगुरु जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच धन धन अठवें गुरदेव साहेब श्री गुरु हरकृष्ण साहेब सच्चे पातशाह जी दे पावन स्थान गुरद्वारा श्री बंगला साहब विखे रोजाना दी तरह सतगुरु पातशाह जी दे दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वड्डे भागां सदका सानूं इस भागियां घड़ियां प्राप्त होईयां हन। सतगुरु ने रहमत कीती है अमृत वेले तो ही गुरु कियां सिख संगतां ने दरबार की सेवा विच हाजरियां भरियां नितनेम सुनिया सतगुरु जी नूं नमस्कारां कीतियां आसा जी दी वार दे संपूर्ण कीर्तन होए हन। कीर्तन निर्मोलक हीरा महाराज कहिंदे दुनिया दे हीरियां दी कीमत पाई जा सकदी आ पर जिहड़ा गुरु की बाणी दा मनोहर कीर्तन है इस दी कीमत कोई नहीं पा सकदा। ओ गुरु की धुर की बाणी दा कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना सतगुरु की कृपा होई ओ महान कीर्तन सरवण करन दी दात प्राप्त होई है। इसलिए जो भी माई भाई सतगुरु की शरण विच पहुंचे हैं वह साडा कदम कदम लेखे विच है। सतगुरु जी ने रहमत कीती कृपा कीती है जे जिथे असी शरीर करके सतगुरु के दरबार दियां हाजरियां भर रहे हैं जे असी मन बिरतियां करके भी सतगुरु पातशाह जी दरबार विच हाजिर रहांगे तो होर भी बहुता फल मिलेगा। सतगुरु पातशाह दियां होर भी खुशियां सानू प्राप्त होणगियां असी सतगुरु की वड्याई नूं समझ सकांगे। इसलिए देशां विदेशां दे विच टैलीविजन दे राहीं भी बहुत गुरु कियां सिख संगतां गुरु के कीर्तन नाल जुड़ियां होईयां हन। सतगुरु पातशाह दी कृपा दे सदका जो लड़ीवार तुरकी बाणी दी कथा चल रही है उस कथा दी विचार करन दा समां मिलिया है। सो आपां सतगुरु पातशाह दियां वड्याईयां सांझियां करनियां भाई सो सतगुरु पातशाह दे महिमा सरवण करनी है क्योंकि अगाध बोध बाणी सतगुरु पातशाह जी ने आप कृपा करके सानू इस बाणी दे लड़ लाया है जिहदी ना कोई पूरी महिमा कर सकता है ना इसकी पूरी वड्याई हो सकती है। इहनूं तां बेअंत बेअंत कह के ही नमस्कार करनी बाणी आउंदी है। इसलिए सतगुरु पातशाह दे दरबार ते पहुंचे हाँ आओ सब तो पहला कलगीधर पातशाह की बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो। कोई भी रसना फतेह बुलाउण तो वांझी ना रह जावे। साडा कई बार सुभाव बनिया हुंदा कि फतेह एवें मूंह जे च बुलाउणे आ जां बुलाउंदे ही नहीं। नहीं भाई फतेह नाल गुरु का सिमरन होना है फतेह नाल गुरु ने फतेह बख्शिश करनी है। सतगुरु पातशाह जी ने एडा पवित्र सानू ये पैगाम दिता है फतेह का देखो किड्डी वड्डी वड्याई है। गुरसिखां दे मन विच कोई मन मटाओ भी होवे कोई रोसा भी होवे ते सतगुरु पातशाह जी का किड्डा वड्डा फरमान है गुरु के सिखां ने रहतनामिआं विच लिख दिता आगे आवत सिंह जो पावै वाहे गुरु की फतेह बुलावै। ये हुक्म है भाई मन दे रोसे दुनिया दे ने
पर जो गुरु का सिख मिले उन्होंने कलगीधर पातशाह का पुत्र पुत्रियां समझ के फतेह अवश्य बुलाउणी वाला आउंदी है। इस वास्ते फतेह कदे भी ढिल्ली नहीं बुलाउणी चाहीदी। सरबत गुरु की संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सतगुरु पातशाह पंचम पातशाह जी साढ़े ते की बख्शिशां कर रहे ने, मेहरां कर रहे ने, वो बाणी सरवण करो जी। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने महान साढ़े ते कृपा की है। सतसंग जी सानू तुरकी बाणी दे नाल सतगुरु पातशाह जी ने सीधे ही जोड़ दिता कि सानू कोई भुलेखा ही ना रह जावे कि असी किस दे लड़ लगना है, किस नू गुरु मनना है। सतगुरु ने ऐसी रहमत की साढ़े ते, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। फिर इस बाणी दे उपरों तमाम सतगुरु पातशाह जी ने सिखां नू जोड़न वास्ते कोई पाबंदियां नहीं रहन दित्तियां कि कौन बाणी पढ़ेगा। महाराज कहिंदे कोई गावै को सुणै, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। कोई जप लवे, कोई गुरु की बाणी ते भरोसा करके वेख लवे। अज सतगुरु पातशाह जी ने धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी साडे ते मेहर कर रहे ने। ये बहुत ही दूर दृष्टि दे बचन उचारण किते, बाणी उचारण कीती है सतगुरु जी ने, क्योंकि जो उस तो बाद साडे नाल हड वापरियां इतिहासक कहानियां ने, साडा सिखी दा सतगुरु जी दा इतिहास है जदों वह वापरिया साडे उपर दी, ते फिर सतगुरु पातशाह जी दा ये फरमान होर भी साडे लई महत्ता रखदा है। वैसे तो एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक गुरु की बाणी बहुत वड्डी महत्ता रखदी जिसनूं असीं समझ नहीं सकते। कई बार सहज पाठ करदियां इहो जिहियां पंगतियां मन विच बैठ जांदियां ने ते मन बसमाद हुंदा कि मना पहले भी तो कई बार ये गुरु की बाणी पढ़ी होवेगी जरूर, पर ये तू कदे मन विच विचारिया ही नहीं। एक बार गुरु कियां सिख संगतां सजियां, बहुत सारे संत महापुरख भी सजे हुए सन, विचार चल पई कि जे कोई नवें तो नवा प्रश्न कर देवे ते गुरु की बाणी विच्चों उत्तर किवें दिता जा सकदा, क्योंकि अजकल अध्यनक युग है, साइंस का युग है, नवियां नवियां काढ़ां ने ते नवें नवें शंके पैदा हो रहे ने, नवें नवें फुरने पैदा हो रहे ने, नवें नवें किंतु परंतु उठ रहे ने, ते बहुत विचारां तो बाद सारे जिहड़े करनी बंदगी वाले भी सन गुरमुख प्यारे महापुरख, फिर इस नतीजे ते पहुंचे कि भाई साइंस इदों हजारां गुणा होर भी वध जावे, मनुख की बुद्धि होर तीखण हो जावे, ते वो हजारां ही फुरने नवें मन विच पैदा कर लवे,
धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने उहदे शंकियां दा निवृत्त करन वास्ते फरमान पहला ही कीता होया। पर शरदावान होवे गुरु का सिख, शरदावान जे साडे मन विच शरदा है ते मन विच कोई शंका पैदा हो गया ते गुरु की बाणी अवाशी साध संगत जी उन्हां शंकियां दी निमिरता कर देवेगी। जदों दास सचखंड वासी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा 13वें मुखी दमदमी टकसाल दे उन्हां कोल पढ़दा सां ते वह आम संगतां नूं इह बचन कह दिया करदे सन कि गुरु की बाणी दी 7 दिन कथा सुन लो, 7 दिन उहदे तों बाद कोई मन विच तुहाडे शंका रह गई, कोई फुरना रह गया तां फिर कहिंदे भाई आपां विचार कर लवांगे, फिर बैठ जायो। ते बहुत सारे गुरु के सिख मिलदे जिहड़े कहिंदे साडे मन विच आ फुरना सी, आ शंका सी, ते इह जदों असीं कथा सुनी कथा दे विचों आपे ही महाराज ने कृपा कीती, इह फुरना दूर हो गया, इह शंका ही मिट गई। ऐसी अगाध बोध कथा है सतगुरु दी। सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी विच इह फरमाया सानू, पूरे ते प्रधान हों बलिहारी तिन जो सुनते हर कथा। महाराज कहिंदे उन्हां तों बलिहार जांदे आ जिहड़े हरि परमात्मा वाहिगुरु की धुरकी बाणी की कथा सुनते। पूरे ते प्रधान नवावै प्रभ मत्था, जिहड़े ऐन धरती दे नाल मस्तक ला के सतगुरु पातशाह जी नूं मत्था टेकदे ने, कहिंदे भाई उह सृष्टि चों प्रधान ने, मनुखा जन्म जिहड़ा मिलिया ना सानू, ये प्रधानगी दा 84 लाख जूनां दी प्रधानगी है मनुखा जन्म, ते नाल सानू निजम दस्सिया महाराज। ते सतगुरु पातशाह जी अज कृपा कर रहे ने, अज दा जिहड़ा श्री मुख वाक पंचम पातशाह जी ने उचारण कीता है, ये भी एक शंकियां दी निमिरती है। सतगुरु ने अज पूरे गुरु दा वचन उचारिया, क्योंकि साध संगत जी अधूरियां दी लैन लग गए सी। अधूरे अपने आप नूं दुनिया दे विच प्रगट करना चाहुंदे सन कि असीं भी सतगुरु नालों घट नहीं। सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी तों लै के जदों आप सतगुरु जी ने जगत दे विच खेड वरताई, आप संसार दे विच प्रवृत्त हो के सतगुरु पातशाह जी ने जगत जलंदे नूं तारन वास्ते गुरु की बाणी दी सिरजना कीती, रचना कीती, ते उहदे तों बाद दुनिया दे विच जस फैलिया, गुरु कीआं सिख संगतां सतगुरु दे नाल जुड़न लगियां, ते फिर तिवें तिवें लालची मनुखां दी लालसा वधन लगी कि मैं भी तां उहो जिहा ही पंज भूतक शरीर मेरा भी आ, मैं भी गुरु बन सकदा। पर नाल नाल उह निवृत्तियां हुंदियां रहियां। सब तों पहलां धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे वेले साध संगत जी ये फुरने उठे, जिहड़ा पिरथी चंद दा पुत्तर सी मेहरवान, दिमागी तौर ते बड़ा सियाणा सी, लिखारी सी वधिया, उह धन गुरु नानक साहब दी बाणी पढ़दिआं उहो जी छंदाबंदी उचारन लग पिआ। ते पिरथी ने कहा कि मेहरबान तू गुरु बन दे काबल है, तू गुरबाणी भी उचार सकदा है, ते गुरु दी अंश बंश विच्चों भी है, ते तैनू सहजे ही सिख संगतां ने गुरु मन लैणा है। मेहरबान अपने पिता नूं कहिंदा, पिता जी मैं छंदाबंदी शब्दावली ते वरत के रच सकता हाँ, पर जो आनंद धन गुरु नानक साहब की बाणी, गुरु रामदास महाराज की बाणी, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की बाणी पढ़ के आता ना, वो मेरी कविता लिखी दे विचों नहीं आता। असलियत यह है। तो दूसरी बेनती मैं पिता जी करा कि जदों कोई काबल तो सिख आउंदी है, कोई असाम तो सिख संगत आउंदे ने, जम्मू कश्मीर तो आउंदे ने, कोई ढाके बंगाले तो आ रहा है, कोई अफगानिस्तान तो आ रहा है,
वो मन विच शरदा लेके आउंदे ते शरदा दे नाल उन्हां दे मन विच कई तरह के फुरने हुंदे ने ते सतगुरु पातशाह जी सहज सुभा ही उन्हां दे फुरनियां नूं समझ के उन्हां दी निमरती करके बख्शिशां बख्श दिंदे ने। मैं वो कुछ नहीं कर सकता, मेरे विच वो समर्था तां नहीं ना है, वो कुछ नहीं मैं कर सकता, पर इहदे बावजूद साध संगत मन की लालसा ने लालच ने वो डंबर रचे कि शायद असी गुरु बन जाइए। फिर उहदे तों बाद जिस स्थान ते आपां सजे हाँ धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी जदों इस स्थान ते ज्योति जोत समा गए उहदे तों पहलां सतगुरु पातशाह जी ने बचन कर दिता बाबा बीच बकाले ते फिर सोढ़ी अंश बंश विचों सतगुरु पातशाह जी दे रिश्ते विचों जिन्ने बाबे लगते सन गुरु हरकृष्ण साहब जी दे उन्हां सब ने बाबे बकाले जाके मंजियां डाह लईआं कि असीं किहड़े घट आ। तां सतगुरु पातशाह जी आप जी इस इतिहास नूं जाणदे हो, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी 26 साल साध संगत जी भूरे विच रह के बंदगी करदे रहे बाबा बकाला साहब विखे, बहुत लंबा समा प्रभु भगती विच लीन ही रहे। ते किवें मक्खण शाह लबाड़े ने मन विच फुरना धारण कीता कि धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह मेरे ते रहमत कर, कृपा कर, मेरा डुबदा जहाज बन्ने ला दे ते मैं शरदा भावना दे नाल तेरे दर ते पहुंच के अज जेड़ा भी तेरी गद्दी ते संगतां नूं तार रिहा गुरु होवेगा ते मैं उहदे चरणां च पहुंच के 500 मोर भेट करांगा। मक्खण शाह दा जहाज बन्ने लग गया ते उहने 500 मोहरां लईआं ते लभदा लभदा बाबे बकाले आ गया, पुछ पछा के भी गुरु कित्थे हो सकदा। पता लगा कि गुरु 8वें पातशाह सन, वह तो ज्योति जोत समा गए तो वह कह गए ने अपना वचन फरमा गए ने कि बाबा बीच बकाले, तो वह बकाले पहुंच गया। बाबे बकाले जाके पूछिया भी गुरु कौन है, तो उत्थे जेड़े अनंबरी लोगों ने अपने सेवादार खड़े किए सन वो खिच खिच के ले जाण मक्खण शाह नूं, आह देखो गुरु बैठा, ये गुरु साहब की अंश बंश विचों है, गुरु रामदास महाराज के नाल नाता जोड़ लैण, कहा देखो इत्थों तक साडा नाता जुड़दा है। मक्खण शाह वपारी सी, सियाणा सी ते शरदावान वी सी, उहने सोचिया भी मैं 500 मोहर सुखी है ते जिहड़ा गुरु समर्थ होएगा ते उह ते मैनूं बाहों फड़ लेगा गुरसिखा, मोर तां तू 500 सुखी है ते हुण तू मोहरां घट का तो दिना, तू लालची हो गया। ये सोच के मन विच सोच लिया कि दो दो मोहरां इतिहास च पंज पंज भी आउंदा, दो दो मोहरां रख के वो नमस्कार कर दिया करे, दसिया कुछ नहीं कि मोहरां मैं क्यों दे रहा। वो मोहरां दिंदा दिंदा जदों बाहियां दे कोल ही चलिया गया उन्हें कहा भी यह गल तो बनी ना, पता तो लगा नहीं भी गुरु असली कौन है। वो फिर धीरजवान गुरसिख ने फिर संतोख रखिया कि कोई गल नहीं, पूरा गुरु मैनूं जरूर मिलेगा। फिर गुरु कियां उत्थों दियां रहण वालियां संगतां नूं पुछदा है भी गुरु सतगुरु पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी का बाबा कोई होर भी है इत्थे। संगतां ने दस्या कि एक तेग बहादुर नाम का उन्हां दा बाबा हैगा पर वह भोरे च ही रहिंदे ने, वो बाहर घट विचरदे ने, प्रभु बंदगी विच ही रहिंदे ने। उन्हां दे बचन सुन के बड़ा उत्साह होया मक्खण शाह दे मन विच भी उही होणे, बड़ी शरदा नाल उन्हां कोले गया पर तरीका उही रखिया, जाके जो मत्था टेकिया दो मोहरां रख दित्तियां ते सतगुरु पातशाह जी ने मेहरां भरी नज़र नाल मक्खण शाह नूं तकिया
ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਕਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਉਸੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਲੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸਲੀ 'ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਚ ਬਕਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਾਓ ਆਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋੜ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਹਤੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਮਾਛੂਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਕਨਿਆਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਓ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਿਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚਿਆਂ ਪੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਘੁੰਮਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਓ, ਦਸਾਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ
कि मेरे इन्हां पुत्रां नूं असूलां दी खातर सिखी दी खातर पहाड़ां नाल भी टकराउणा पवे ते टकराउणगे, बंद बंद कटाउणा पिया कटाउणगे मेरे सिख, आरां नाल चीरे जाणगे। पर मैं इन्हां ते फखर करदिआं होइआं अपने चार पुत्र वारे ने, उह गुरु सानूं इक हुकम कर गिआ कि गुरु के सिखो किसे भरम भुलेखे विच ना पै जिओ। सचखंड जाण तों पहला हुकम कर गए आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है। महाराज ने सलाह नहीं दित्ती कि मेरी सलाह है, वह गुरु जी ने सरबंस वार के आपां नूं सिखी दित्ती है। वह कहिंदे हुक्म है हुक्म, सब सिखण को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द मिले। कहते भाई तुसी ना भुलेखे च रहो, हैरानी की गल कि अज भी असी सज्जे खब्बे फिरदे रहिए और उन्हां मगर तुरे फिरिए जिहड़े व्यभिचारी ने, जिहड़े बलात्कारी ने, जिहड़े आप अदालतां दे चक्कर कटदे फिरदे ने, उन्हां मगर जाइए। गुरु के सिखो विचार करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। कोई दुनिया का मनुख चिंता फिक्र खत्म करने वाला नहीं जमया, केवल ते केवल तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये चिंता मेट सकती है तुर की बाणी। आप कोई भी विचार करके देख लो मन में किन्नी शंका होवे, किन्ने फुरने होण, किन्ना फिक्र होवे, किन्नी चिंता होवे, मन ग्रसिया वै होवे चिंता का, तुसी गुरु के दरबार में बैठ के अपने घर में बैठ के एक पाठ सुखमनी साहब का करके देखो, जे थोनों अंदरों आवाज आ जाएगी भी चलो मेरी कुछ ना कुछ चिंता तो खत्म होई, तन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ी को तसली होएगी ना, जरूर होएगी। इस वास्ते साध संगत जिन्हों के मगर फिरदे हैं, जो उन्हों का हाल देखते हैं, मैं उस पासे समा लाउंदा नहीं, लैना नहीं चाहुंदा, ते ओहो जे लफ्ज मूँह चो कढ़ना भी नहीं चाहुंदा जिहड़े गुरु की हजूरी विच नहीं कढ़े जा सकते, उन्हां मगर फिरदे आप नहीं भाई, भुल के भी नहीं जाना, गुरु ग्रंथ साहब के दर नाल रहना है। सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने कि जदों पूरे गुरु की आराधना करेंगे, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाकर नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। एक थां ते होर सोठ राग दे विच धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी पूरे गुरु की व्याख्या करते हैं। हजूर फरमाउंदे ने मृतक को पायो तन सासा, बिशर त्यान मिलाया पशु प्रेत मुक्त प्रेत पाए स्रोते, हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई, तां की कीमत कही ना जाए। कहते हुआ पूरा गुरु जिहड़ा मरिया होया दे विच स्वास पा देवे। आप जानते हैं ना कि पंजां प्यारियां नूं वढ के खत्म कर दिता सतगुरु पातशाह जी ने, सिर अलग कर दिते ते फिर उन्हां नूं सुरजीत कीता ना, बेअंत साखियां ने। पर साध संगत सतगुरु पातशाह दी बाणी है, मृतक को पायो तन सासा, बिछुर त्यान मिलाया पशु प्रेत मुग्ध भए स्रोते, हर नामा मुख गाया। किने सब कुछ किया भाई, पूरे गुर की देख बढ़ाई, ये वडियाई पूरे गुरु की है, ता कि कीमत कह ना जाई। कहिंदे जिस दी कीमत नहीं कह कही जा सकती, सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे भाई जदों असी वह पूरा गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की आराधना की, तो फिर इहदा फल भी पूरा मिलेगा। सतगुरु पातशाह ने अज दे हुक्मनामे विच इह सानू फरमान किया कि पूरे गुरु के चरणी लगो भाई, तो पूरे गुरु नूं जपिया होया ही सानू पूर्ण फल मिलेगा। पूरा एक धरती का नहीं, अगे सतगुरु जी कृपा कर रहे ने किन्ने फल मिलने ने, इस वास्ते पूरे गुरु की आप आराधना करनी करिए।
मार्ग संत बताया टूटे जम जाल। गुरु की संगत विच जुड़े हुए, गुरु की शरण विच जुड़े हुए, गुरु के नाम विच जुड़े हुए जिहड़े संत भगत ने उन्होंने ये मार्ग दसना कीता है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए, ये मार्ग उन्होंने दस दिता सानू। किहड़ा मार्ग दसिया? सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे जहान, ये मार्ग सानू बता दिता। टूटे जम जाल जिहड़े मोह दे, ममता दे, हंगता दे, ये भाई जमा दे जाल ने, जमा दीआं फाहियां ने, ये जाल विछाया होया जिहदे विच मनुख फसदा जांदा है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने जदों असीं पूरे गुरु दे चरणी लग गए ते संतां ने, भगतां ने, प्रभु दे प्यारिआं ने, सिमरन करन वालिआं ने, बंदगी वालिआं ने सानूं इह मार्ग दस दित्ता कि भाई जदों असीं पूरे गुरु नूं अराधिआ ते जमां दे जाल जिहड़े मोह ममता दे ने, हंगता दे ने, इह जाल वी सारे टुट जाणगे। दुख भुख संसार मिटिया गावत प्रभ नाम। फिर कहिंदे भाई जाल किहड़े किहड़े ने? कहिंदे दुख भूख संसार मिटिया। देखो जिहड़े दुख एक प्रकार दा ने, आदि व्याधि अपाधि किन्ने प्रकार दे दुख ने। जमन मरण दा दुख है, भुख दा दुख है, बेअंत दुख ने। हजूर फरमाउंदे ने दुख भूख जिहड़ी भुख नूं धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। वह भुख भी क्योंकि संतोख तो बिना भुख ते उतरदी नहीं पाई, ना धन दी, ना शोभा वड्याई दी, यह भुख नहीं उतरदी। भाई गुरदास जी फरमाउंदे अखी देख ना रज्जियां बहु रंग तमासे, एक भुख ही नहीं उतरदी भाई। सो इस वास्ते दुख भूख संसा मिटो, ते जिहड़ा संसा कदे मिट ही नहीं सकता। ये संसा इहो जी चीज है, इहनू चिंता भी कह लईए, संसा कह लईए, जिस दी कोई दवाई नहीं। किसे डॉक्टर कोले चले जाइए कि मैनू इस चीज़ का संसा है, मेरे पुत्र मेरी औलाद मेरे कहने विच नहीं, मैं बहुत विद्या पढ़ाई पर उल्टे राह ते तुर पए, मैं बहुत वड्डी इन्वेस्टमेंट की पर उस बिजनेस मैनू लाभ कोई नहीं, वो मेरा व्यापार घाटे च जा रहा है, उहदी चिंता किन्ने प्रकार की चिंता मन विच। ते किसी डॉक्टर नूं कहो कि मैनू कोई इहो जिहा कैप्सूल दे दे, कोई इहो जिहा इंजैक्शन दे दे जिहदे नाल मेरी चिंता मिट जाए। वो समझाएगा कि ये तेरे तन का रोग नहीं, मैं डॉक्टर हाँ तन दे रोग दा, तैनू बुखार चढ़िया होवे, तैनू कोई शरीर की बीमारी होवे तां उहदा मैं इंजैक्शन दे सकदा। हाँ तैनू मैं एक इंजैक्शन जां एक कैप्सूल टैबलेट दे सकदा जिहदे नाल कुछ समा तैनू आराम की नींद आ जाएगी। तो मरीज पुछदा भी जदों वह नींद खत्म होएगी तो फिर मैनू संसा तां नहीं रहिंदा? कहिंदा नहीं, इहदी नहीं कोई गरंटी मैं दिंदा, ये ते तेरे मन का रोग है। इस वास्ते सतगुरु पातशाह जी के नाम की यह वड्याई है भाई, जिदे करके साडा दुख भी भुख भी ते मन दे संसे फिक्र भी दूर हो जाते ने सिमरत हर नाल। पर नाल गुरु के सिखो साडे वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी ने राह दस्या है, सिमरत हर नाम, कि परमात्मा के नाम का सिमरन करिए। गल्लां नाल तां नहीं कुछ हुंदा, सतगुरु पातशाह जी रहमत तो फिर ही करनगे ना जो असीं परमात्मा का नाम जपांगे। तो इत्थे मैं एक होर भी बेनती करना चाहुंना, सतगुरु पातशाह जी ने सानू सब कुछ बख्शिया, सानू अपना सतंत्र सतगुरु पातशाह जी नाम सिमरन का तरीका तुरकी बाणी दे नाल जोड़िया, साडे तीर्थ इसनान सतंत्र बख्शे सतगुरु पातशाह जी ने, साडी रहत बहत रहना, साडा पहरावा, साड़ी पंजां कारां दी रहत, साडे रीति रिवाज, साडा जमना, साडा मरना, साडा आनंद कारज, साडे अमृत संस्कार, सतगुरु पातशाह जी ने सारे स्तंत्र बख्श दित्ते।
ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋਗੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿਕ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਸ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦੇਊ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਣ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਰੂਪ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਓ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ। ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਮਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਪੀਸਣੇ ਪਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀਆਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਮਨਾ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੇਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਆਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਭ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਭ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਣ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ,
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਆਕਾਸ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ ਨਾਲ ਖਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਆਕਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੇ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਕਰਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਕਾਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਵਹਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫੁਲੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਜੰਗਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂ ਮੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਮੰਦ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਲਟਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿੰਡਿੱਠਾ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਿਆਧੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹੋ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਖੀ ਲੰਮੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਦਮੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 10,000 ਦਮੜਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਦਮੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਦਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦਮੜਾ ਦੇਈਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ
अपना धर्म है पर मेरा अपना धर्म है, मैं गुरु के सिख का वाहिगुरु गुरु के दरबार का वजीर हाँ, इस करके तुहानू मैं वो दमड़े गुरु का एक एक रुपया मत्था टेकया होया जा ही नहीं दे सकता। तो फिर तैयारी कर ले, कहिंदे रख इत्थे मुड़ दे उपर हाथ, हाथ रखिया गुट दे उपर वो टोका मारिया जलाद ने, वो रुक जा भाई क्यों भाई साहब जी दर्द होया जे, मैं ते बंद बंद वढ़ना तुहाडा पहले ही टोके ना तुसीं ते कहिंदे रुक जा, कहिंदे नहीं 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 तेरी गलती दी दुरुस्ती करनी आ, हद हो गई, कहिंदे मैनूं ते हुक्म है मेरी कोई गलती नहीं, कहिंदे नहीं तेनूं जिहड़ा हुक्म है उहदे च वी तूं गलती कर रहा, कहिंदे दसो जी की गलती कर रहा की हुक्म है तेनूं, कहिंदे जी मैनूं हुक्म है तुहाडा बंद बंद कट्टणा है, ते फिर कहिंदे उंगलां दे पोटे पोटे वढ पहिलां। साध संगत जी इह सिखी जिवें आपां दर्जी कोलों कपड़ा कटवाउणे आ ना वी इन्ना उच्चा करना है, नहीं तूं थोड़ा जिहा नीवा रखता होर वढ दे थोड़ा जिहा, इस तरह अपने शरीर नूं कटवा लेना, जलाद नूं कहना भी भाई तू पहला मेरे पोटियां दे तीन तीन टुकड़े कर, फिर मेरी हथेली वढ़ी ते फिर चौथा वार मेरे गुट ते करे। हैरान रह गया जलाद किस मिट्टी के बने ने सिख, इस करके ये सहज अवस्था महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने कि भाई उन्हां नूं किसी प्रकार का दुख तां की रहना है, उन्हां गुरमुखां प्यारियां दी सहज अवस्था बन जांदी है। पूरन सब काम, फिर भाई दुनिया च कोई मनुख नहीं, दुनिया च कोई पातशाह शहनशाह दुनिया दे विच इह शक्ति नहीं रखता कि जिहड़े सारे सुख दे देवे, सारे नहीं दे सकदा, कोई किसी धनवान कोले, किसी बहुते इतनाड़ कोले, किसी बहुते सियाने कोले, विद्वान कोले, विज्ञानी कोले जाके कोई कवे कि मेरे घर विच औलाद नहीं तो मैनू औलाद का सुख मिल जाए, दे देगा कोई? कोई यही कह देवे कि मैं सारी उम्र किसी कोई गुनाह नहीं किया, मैं आपदे ढंग दे नाल जिंदगी जिउणी है, फिर भी मैनू इत्थों संसार छड्डण दी चिंता है ते परलोक विच मेरी सहायता करियो, है कोई भाई दुनिया च? कोई नहीं है। कौन है फिर भाई? इह लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। ये ते केवल साध संग जी दुनिया दे विच केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है जिहड़ी इस लोक विच भी ते परलोक विच भी रखिया करन नूं समर्थ है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे उन्हां दे सारे ही काम, एक काम नहीं, जो जो चितवै साध जन सो लेता माण, फिर वो परमात्मा मन लैंदा है कि ये मेरा सिख है। अचिंत काम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब काज सवारन हारा, सारे कार्ज भी पूरे हो जाते हैं। विश्राम दे के कृपा कर रहे हैं। जलन बुझे शीतल पए, रखे प्रभ आप। ये सब तो औखा काम है, जलन बुझे शीतल पए, क्योंकि ये शरीर दी अंतरात्मा दी जलन किते बुझदी है। चंदन चांदना सरद रुत, मूल ना मिटे काम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। जदों परमात्मा का नाम जपांगे तो फिर मन तन ठंडा हो जाएगा। सतगुरु पातशाह जी ने एक बार इस फरमान नूं दोहराया है कि भाई गुरु का नाम जो जप जप के अंदर ठंड पै जाएगी। महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाते हैं भाई शरीर की भी तो मन की भी हर तरह की जलन तपस जिहड़ी है बुझ जाएगी, ते परमात्मा अंदर ठंड वरता देवेगा। नानक प्रभ शरणागति, जाका वड परताप। सतगुरु पातशाह जी, धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे ने। प्रताप की हुंदा है? प्रताप भी शक्ति का नाम है। जिहदा सब तो वड्डा प्रताप है, सब तो वड्डी शक्ति है, ज्ञान ध्यान किशकर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक।
जिन कल राखी मेरी। इस वास्ते भाई उहदी शरण विच आईए, जिहदी शरण विच पिया सिंह शरण कत जाई है, जो जंपक द्रस है, जे गिदड़ां दा डर रवे शेर दी शरण विच जाके भी, फिर शेर असली नहीं, शेर विखावे दा। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि भाई उहदा प्रताप इन्ना वड्डा है, जिथे ना जमण दा डर, ना मरण दा डर, ना जमण दा डर, ना किसी दुश्मन दा डर, ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे ना भाई, एडा वड्डा प्रताप है उसका, उहदी शरण विच आउणा चाहीदा है। सतगुरु पातशाह जी ने यह कृपा की है भाई। मैं अखीर दे विच एक होर बेनती करना चाहना, पिछले दिनी दमदमी टकसाल के मुखी संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा एक हफ्ता 10 दिन लगभग दिल्ली के वख-वख इतिहासक स्थानों पर कथा कीर्तन के प्रवाह चलाते रहे, ते नाल नाल बेनतियां कीतियां कि धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी का जो हरिमंदर साहब के चुगिरदे दे विच उस कंपलैक्स के गुरद्वारा थड़ा साहब है, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन स्थान, जिसकी सेवा दमदमी टकसाल कर रही है, जो समुचे पंथ ने दमदमी टकसाल ने वाहिगुरु श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो सेवा टकसाल की झोली में पाई है। आप संगतां नूं बेनतियां कीतियां गई कि आप संगतां दे सहयोग नाल यह वड्डी सेवा होनी है, जिहदियां 9 गुमतियां, एक वड्डा गुमद, कलस, पालकी साहब, ये सारी सोने की सेवा होनी है। आप संगतां ने भारी सहयोग दिता, साध संगत बहुत चढ़दी कला दे विच आपदा जो सहयोग मिलिया उहदे सदका अलंग चुकी जो 12 तरीक है, उस 12 तरीक नूं उस स्थान गुरद्वारा थड़ा साहब ते सोने की सेवा आरंभ हो चुकी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कृपा करके जिन्ना जिन्ना गुरु के सिख संगतां तों तिल फुल भेटा लई आ, वो सारी लेखे विच लगनी, सतगुरु पातशाह की रहमत होनी है। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दिया वै ताए, मैं पहला भी बेनती की सी, जैसा बित तैसा होए वरता है, अपना बल नहीं हार, जिहो जी समर्था दिती है, कोई 10 रुपए दे सकता है, कोई 100 रुपए दे सकता है, कोई वध तो वध भी दे सकता है, गुरु के सिखां कोल कोई घाटा नहीं छड्डिया महाराज ने। ते सतगुरु पातशाह ने आप जी नूं प्रेरणा दे के आपदे कोल वड्डी सेवा लई आ, ते रहिंदी सेवा भी सतगुरु ने आप ही लै लैनी है। दमदमी टकसाल दा यह फुरना है कि एक साल दे विच विच सारे गुमत गुमदियां पालकी सहित समेत सारी सेवा संपूर्ण करके, पत्थरां दी निकासी करके, ये सारी सेवा दम श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सौंप के इहनूं ओपन कर दिता जावे, सिख संगतां दे दर्शन लई ये पंथ नूं समर्पित कर दिती जावे, तां कि संगतां जाण उसे तरह ही भोरा साहब दे दर्शन करन, थड़ा साहब जाके नमस्कारां करन, जिन्नी भी जल्दी हो, एक साल दा तां टीचा है ना, सतगुरु कृपा करन तों पहलां ही ये सेवा संपूर्ण करवा लैन। सो दास आप संगतां नूं वधाई दिंदा है और प्रेरणा भी करता कि होर भी वध तों वध सिद्धी उत्थे दमदमी टकसाल दे विच गुरद्वारा थड़ा साहब ते आप पहुँच के नमस्कारां करके चलदी सेवा विच होर भी योगदान पाओ, तां कि आपां होर भी चढ़दी कला दे विच जल्दी तो जल्दी ये सेवा संपूर्ण करके धन गुरु तेग बहादुर साहब दीआं खुशियां लै सकीए। दास तों विचारां करदिआं तों होईआं भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, समूह इसके स्टाफ ने, अहुदेदारा ने, ग्रंथी सिंह साहबाना ने, सो कृपा करके संगतां दे दर्शन करवाए ने, सो बहुत बहुत धन्यवाद है सारिआं दा। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करन, आप बख्श के उज्जल बुद्धि बख्श के आप अपना जस करन दा समर्था प्रदान करन, देहो सज्जन असीसड़ियां, जे होवै साहिब सो मेल खेलियां।